मुझे ओड़ बख्श बाल, मैं आपके बीच में इसलिए गांव में चलकर आ रहा हूं। 36 कौम से कहना चाह रहा हूं, जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उससे भी मदद मांग रहा हूं कि गवाड़ में मैं जिस गांव में आ जाऊं एक बार मेरी भावना और मेरे शब्दों को सुनो। आपको लग जाएगी ये बंदा किसके लिए लड़ रहा है, ये बंदा 36 कौम का है कि नहीं है, तो मुझे आशीर्वाद दे देना। अगर नहीं लगे तो मैं एक का भी हाथ नहीं पकड़ूंगा। जो आप फैसला कर लोगे उस फैसले में चल पड़ूंगा। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा बिना माजी साहब के सामने कि मेरी राजनीतिक हत्या करने वाले सारे बड़े बड़े एक हो गए। कांग्रेस ने मुझे विश्वास दिया था, हरेंद्र जी मिर्दा ने खुद ने जबान दी थी कि दुरुग सिंह जी अब की बार मेरी मदद कर दो, आने वाला चुनाव आपका होगा, मैं आपके साथ रहूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने खींचर के 36 कौम के लोग गए थे तभी विश्वास दिया कि इस चुनाव को जिताओ, इस चुनाव में मदद करो, नहीं तो अगली बार आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी। मेरे 36 कौम के लोगों, मैं आज वोट मांगने नहीं आया हूँ आपके बीच, मैं मेरी खुद साइकिल लेके आपके बीच में निकल रहा हूँ। बहुत कठिन घड़ी है, पैदल निकलने की मेरी इच्छा थी पर चुनाव बहुत नजदीक है, एक महीना लग जाता, इसलिए मैंने साइकिल को चुना है। मैं आपके बीच में 18 वर्षों से घूम रहा हूँ। दो ही शब्द है, 36 कौम बेटी हो। एक भी कोई बंदा एक कह दे गरीब 36 कौम का कि 70 साल में बीजेपी के भी नेता जीते थे, कांग्रेस के भी नेता जीते हैं, अगर गरीब के आंगने में एक भी हाथ खड़ा करके कह दे कि मेरे आंगने में एमएलए या आंसू पूछने आया, दुखी गड़ी में आया, तो मुझे बता दो मित्रों। ये पगडंडी आपके भाई ने गाली थी, आज किसी भी गरीब से गरीब हरिजन के घर में भी मौत हो जाती है, शादी हो जाती है तो नेताओं की होड़ लग रही है। मैं पूछ रहा हूँ क्या कारण है? Thank you.